राइड गाइस, पता नहीं ब्लॉग का स्टार्ट कहाँ से करना है। आज का राइड है मुंबई टू गोरखपुर, 1600-1700 किलोमीटर कुछ तो होने वाला। और बाय द वे, निकलने का टाइम था कुछ समथिंग 2-3 बजे के आसपास, अभी बज रहे 1:30। तो सबसे पहले चेंज हो जाए, तो पैकअप ऑलरेडी डन है छोटा सा। इसके अंदर लैपटॉप डालना है ये बैग में, और ये तो टैंक बैग आ ही जाएगा। इसमें एक वीडियो एडिट हो रहा है जो कि पौंडीचेरी वाला, वीडियो एडिट नहीं, वीडियो रेंडर हो रहा है यूट्यूब पे, लेकिन काफ़ी टाइम लग रहा है, 2 घंटा बता रहा है, तो मेरे पास टाइम नहीं है। शायद से इसको क्लोज करके मैं गोरखपुर में जाके इसको अपलोड करूँ। हम लोग को मिलने के लिए मतलब अपना एज यूजुअल राइडिंग पार्टनर ब्रदर, तो हम दोनों साथ में राइड करने वाले हैं, और कोई नहीं है। एज यूजुअल सी ऑफ करने के लिए आए हैं, पब्लिक बहुत आए सी ऑफ करने के लिए। सबसे पहले ये सुनना, नीचे जा, घर पे जा, निकल, पहली फुर्सत में निकल। ऐसा मुंह छुपा दिया जैसे कि कान करके आई है। जाना आज। चलो फटाफट रेडी होता हूँ, फिर मिलते हैं नीचे। 26 फरवरी, सो आज राइड का स्टार्ट डेट है। हम लोग का ये राइड लगभग कुछ 15-16 दिन होने वाला है। मैं सोचा 1-2 जन आएंगे, बट भाई साहब ने तो पूरा पलटन लेके आ गया। थैंक यू आने के लिए सबको, और जमा नहीं करना चाहिए, लेकिन राहुल जी आ रहे हैं हम लोग के साथ। किधर तक आ रहे हैं? आसनगांव तक आ रहे हैं। बाकी सब लोग इधर मंडली आवारी आम। तो बस यहाँ से निकलते हैं अभी, फिर पेट्रोल भरेंगे। पेट्रोल भरने के बाद देखते हैं किधर रुकेंगे चाय भी पीने के लिए। लेकिन फर्स्ट राइड सोच रहे हैं जितना ज़्यादा खींचेंगे वही अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा स्टॉप नहीं रहेगा, मतलब 400-500 किलोमीटर तो चलाना ही पड़ेगा। तो फटफट ऑलमोस्ट भारी अपना रेडी हो गया, एकदम चकाचक लग रहा है इधर देखो। परफेक्ट, सर्विस वगैरह सब हो गया इसका, तो चलो देखते हैं, बीच में कुछ प्रॉब्लम आएगा तो बताएंगे। और क्या टाइम हो गया? चलो अनिल भाई, चलो चलो मिलते हैं। हाँ हाँ, तो राइड की शुरुआत है, तो सबसे पहले बोलते हैं गणपति बप्पा मोरिया। मतलब शाम 2 बजे हम लोग निकल गए राइड के लिए, ठीक है, टाइमिंग बराबर है, जो सोचा था वही हुआ है, और सब टाइमिंग के हिसाब से ही होना चाहिए। अभी ऊपर नीचे होएगा, चलेगा, नो इशू। तो अभी भरना पड़ेगा फ्यूल, क्योंकि फ्यूल कम है इसमें, तो देखते जो फ्यूल पंप मिला तो पहला फ्यूल भर लेते हैं। और हीरो यहाँ पे हम लोग ने पेट्रोल भर लिया, सकते 2:51 AM, 20-25 किलोमीटर चला लिया। यहाँ से एक फ़ोटो खींच के इंस्टाग्राम पे डाल देता हूँ, राइड के टाइम पे होता है। कसारा वाला जो रूट है, अभी तक हम लोग को ट्रक वाला ट्रैफिक मिला नहीं, छोटा मोटा था स्टार्टिंग में, बट एकदम हैवी ट्रैफिक नहीं मिले, वो अच्छा हो गया। नहीं तो रात में जो ट्रक वाला ट्रैफिक मिलता था ना, मतलब लग जाते थे, बट नहीं मिला, अच्छा है। लिए 2 बजे निकले थे, 3-4-5-6-7 5 घंटे से बाइक चला रहे। अब जाके हम लोग ले रहे एक चाय ब्रेक, पवार अमृत कर लिया, ऑलमोस्ट दूल्हे क्रॉस कर दिए, दूल्हे के थोड़ा सा आगे आ गए हम लोग, बोले चल थोड़ा सा चाय ब्रेक ले लेते, और अच्छा खासा सनराइज होने का टाइम भी हो गया। नहीं तो रात का जो नाइट ड्राइव कर रहे थे ना, राइड कर रहे थे ना, क्या ठंडी लग रही थी ना, क्या एक्चुअल में ज़्यादा ठंडी था। I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. So guys, हम लोग रुके on the way, इंदौर पहुंचने के लिए लगभग 30-40 किलोमीटर ही है। इंदौर तो रुकना नहीं है, इंदौर सिटी में भी नहीं जाना है, उधर से ही राइट मारना है, और गुना के लिए निकलने का हम लोग को। गुना यहाँ से 350 किलोमीटर, मतलब एक लमसम 4-5 बजे तक पहुँच जाएंगे हम लोग गुना। तो अभी थोड़ा सा प्रोटीन वाला ब्रेक ले रहे हैं, मैंने अपना जो गियर्स चेंज किया है, जैसे कि देख रहे हो ये है राइनॉक्स का स्टॉर्म वाला गियर, 10,000 समथिंग का है, बट पुराना वाला मैंने चेंज क्यों किया, बिकॉज उसका साइज़ जो है मेरा साइज़ बढ़ गया, तो वो मेरे को बहुत फिट होने लगा, मतलब बॉडी मूव भी नहीं हो रहा था करके मैंने वो जीजू को दे दिया, जो लास्ट टाइम एज अ पार्टनर आए थे, पिलियन आए थे, इस टाइम पे भी ज्वाइन होंगे। तो यस, दिस इज़ माई न्यू गियर।
this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. Almost हम लोग पहुंच गए इंदौर सिटी. वहां से 10 किलोमीटर के आसपास ही है, वो साइड है इंदौर सिटी और ये साइड गुना की तरफ ग्वालियर भोपाल आगरा. ठीक है, और बज रहे 11:11. 2 घंटे में हम लोग इंदौर पहुंच गए. अच्छा है, मतलब ज़्यादा गर्म नहीं हो रहा है, धूप जो चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ेगा तो गर्मी ज़्यादा होने लगेगी. लेकिन हम लोग को थोड़ा गर्म चाहिए था क्योंकि रात में जो निकले थे ना, बहुत ज़्यादा चिल लग रहा था, एकदम चिल्ड वाला क्लाइमेट रहता ना, वैसा लग रहा था. तो हम लोग बोले कब धूप आएगा, फाइनली धूप मिल रहा है तो अच्छा लगा. You ain't seen the rest. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessed. No. पता नहीं किस चीज़ का मोर्चा है, हाईवे उधर साइड का बंद कर दिया. अबे यार, हाँ रुकना, यहाँ पे एक अच्छा होटल दिख गया है, होटल शिमला, ओनली वेज, फास्ट फूड भी है. ये मैं लगता है इधर रुका था, हाँ मेरे को याद आया. सो गाइस, 2021 में मैं एक बार आया था गोरखपुर, मेरा दोस्त है बॉली, उसके साथ होटल पे हम लोग लास्ट टाइम रुके थे रात में. इंदौर लेट पहुँचे थे 6 बजे के आसपास, फिर बाद में गुना बहुत ज़्यादा ही दूर था तो हम लोग इधर खाना खा के इधर ही स्टे किए थे. खाना पनीर अंगार और बटर रोटी, बस दबा के खाते हैं, फिर बाद में देखते हैं. अगर नींद लगा तो रुक जाएंगे थोड़ा देर के लिए रेस्ट करने के लिए, और नींद जैसा नहीं फील हो रहा है तो जितना दौड़ाने का है उतना दौड़ाते हैं. बाय द वे, अभी हम लोगों ने कुछ 750 किलोमीटर के आसपास कंप्लीट किया है, तो अभी भी और 16 घंटा बता रहा है, सॉरी. पनीर अंगार अच्छा है, आगे बढ़ ठंडी मिलने वाला है. हाँ, क्योंकि रात में हम लोग लखनऊ साइड रात में ही पहुँचेंगे तो क्लाइमेट ठंडा मिला तो बैंड बजने वाली है. फाइनली हम लोग का हो गया है लंच आफ्टरनून का, मतलब हम लोग ने एक घंटे का ब्रेक ले लिया बराबर. मोबाइल लिया ना राहुल, मोबाइल लिया ना. धूप काफ़ी अच्छा खासा निकल चुका है, अगर एक जगह पे रुक रहे तो गर्म होता है, नहीं तो इट्स ओके, मैनेजेबल है. ये देखो रॉन्ग साइड से डाल रहे, गाँव के लोग ऐसे ही करते इधर के. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though. ओह भाई साहब, बहुत डेंजरस है ये तो. ऐसा लग रहा है फ्रेश गिरा है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है. बढ़िया, अंदर क्यों गया? जाओ बच्चे लोग, स्कूल का टाइम हो गया. सनसेट हो रहा है यहाँ पे और अभी भी हम लोग राइड कर रही है. अभी हमारी मंजिल काफ़ी दूर है पहुँचने के लिए. अभी हो रहा है 5:32, लगभग 600 किलोमीटर और चलाना है, 600 साढ़े 600 किलोमीटर. Life's tough, trying to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left and I'm... हम लोग चल रहे हैं मध्य प्रदेश के लॉन्गेस्ट ब्रिज पे, अम्बोला ब्रिज. कहते कि इधर लाइट ही नहीं है, मतलब. तो अभी हम लोग रिस्की वाले रोड से चल रहे हैं. एक्चुअली ये झांसी का जो रूट है थोड़ा सा रिस्की है, घास लगा हुआ है तो गाय उधर घास खाते रहता है, अचानक से बीच में चल के आ जाता है. और ये टाइम जो शाम का टाइम है ना, ऐसा लगता है ना, समझ में नहीं आता, वो ग्रीन घास का और गाय का कलर, मतलब कॉम्बिनेशन मिक्स हो जाता है. तो हम लोग को समझ में नहीं आता है साला गाय अचानक से कैसे आ गया. ध्यान देके ही चल रहे हम लोग, ज़्यादा स्पीड भी नहीं, मतलब 70-60 चल रहे हम लोग. तो ये रूट जो है ये झांसी वाला है और ये एक छोटा सा होटल है, अवध होटल. तो हम लोग को ये जगह दिख गया, हम लोग बोले थोड़ा सा फैलते, थोड़ा कमर सीधा कर लेते
तो हम लोग इधर बोले मस्त वाला देखो ना, छोटा सा एक पेड़ है और लाइटनिंग ऊपर है, वो कितना अच्छा लग रहा है। तो हम लोग इधर रुक के थोड़ा सा पीठ सीधा कर रहे हैं और मैं उधर होटल में जाके बोल दिया दो स्पेशल चाय करो, तो क्या है हम लोग थोड़ा सा फैलते हैं। वाओ कितना मस्त लग रहा है यार, देख रहे हो काफ़ी मज़ा आया राइड करते हुए। अभी तक बहुत सही चल रहा है, होप जो आगे भी अच्छा ही चले। अभी हम लोग टारगेट पकड़ के चल रहे, जैसे कि अभी झांसी है, झांसी के बाद हम लोग को कानपुर पड़ेगा, फिर कानपुर के बाद लखनऊ, लखनऊ के बाद गोरखपुर। हो चाय बहुत जल्दी आ जाए फिर काम हो जाएगा अपना। हैशटैग चाय पे चर्चा, 1200 किलोमीटर हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है, जस्ट 500+ किलोमीटर्स और है। अब देखते कितना बजे पहुँचेंगे हम लोग, चाय का मज़ा लेते और इंस्टा पे थोड़ा स्टोरी भी डालते। आप लोग अगर इंस्टा पे नहीं फॉलो कर रहे हो तो प्लीज़ फॉलो, सेम यूट्यूब पे चैनल का नाम है सूरज शुक्ला ब्लॉग्स, सेम इंस्टाग्राम वही है, यूज़र आईडी सूरज शुक्ला ब्लॉग्स। GoPro का लाइट भी, GoPro का बैटरी भी चेंज कर लिया, ड्रेन हो गया था तो दूसरा बैटरी निकल के लगा दिया। अब थोड़ा सा इसको क्लीन करता हूँ, ये काफ़ी गंदा हो गया लाइट, कीड़े पूरे मरे हुए पड़े इस पर, देखो बहुत गंदा है। वाइज़र भी क्लीन हो गया, वाइज़र हर जैसे ही ब्रेक ले रहे ना वाइज़र पहला क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि वाइज़र पे ना छोटी छोटी मक्खियाँ आके मतलब मर रही है। सूरज भाई सोते हुए, कैसा हुआ नींद? नहीं हुआ रे नींद, आधा घंटा सोया है, ऐसा लगा 2 मिनट सो गया ना। हाँ बहुत कम सोया, 12 बजे सोया था, 12:30 हो गया। तेरे चक्कर में मेरे को भी नींद आ रहा है भाई। और 50 किलोमीटर लगभग आसपास है लखनऊ के, अलग ही भसड़ मची हुई है, जैसे कि देख सकते हो ये पूरे ट्रक के ही लाइन है। अभी ट्रक को कट मारना सिंपल बात नहीं है, तो करके हम लोग स्लोली स्लोली चल रहे हैं, एक स्पीड भी मेंटेन कर रहे हैं, जैसे गैप मिल रहा है निकाल के फट से खींच रहे, जैसे कि ये देखो। बट ये बाइक का ज़्यादा नहीं होगा, 240 ले रहे हो? 1 रुपया किलोमीटर। 1 रुपये किलोमीटर। अपन कितना किधर तक जा रहे हैं? अपना आजमगढ़ है क्या अपना इसमें? हाँ हाँ आजमगढ़। ये कभी से चालू हुआ ये टोल का? अभी तो ये चालू हुआ हमारी कंपनी 1 फरवरी को ली है। ये फरवरी से ही हुआ ना? अच्छा, तो नहीं लास्ट 2-3 साल पहले नहीं हुआ था, मैं आया था वापस। हाँ पहले नहीं था, पहले नहीं था ये चार्जेस वगैरह का। ये उपेड़ा का ये टोल अब से लगने लगा है, 1 किलोमीटर का 1 रुपये चार्जेस है। बाइक कुछ है ही नहीं इधर, यहाँ पे बाइक आ रहा है तो उसका चार्जेस पे करके फिर बाइक लेके जा सकते हैं। एक्सप्रेस वे है तो ठीक है, क्योंकि 4 साल पहले तो नहीं था टोल वगैरह कुछ, बट अभी है तो कोई इश्यू नहीं, भरते हैं अभी। वो भी टोल जिधर तक जाना उधर तक का ही भरना, तो 1 किलोमीटर 1 रुपये। सो गाइस ये एक्चुअली ये हाईवे ऐसा है ना, पूरा 150 किलोमीटर समथिंग, सुनसान एकदम, कुछ है ही नहीं और गाड़ी भी काफ़ी कम चल रहा है, सीधा सीधा जा रहे हैं। और इतना तगड़ा वाला नींद आ गया ना, ये भाई साहब तो सो ही गया इधर आके। अब मैं भी एक झपकी उपकी ले लेता हूँ, फिर हम लोग थोड़ी देर में निकलेंगे। टोल के पहले 200 के लमसम बता रहा था, अब देखते जाते सुबह आराम आराम से। चलो पावर नैप लेता हूँ यार थोड़ा। फिर बाजू में गलती से नसीब यहाँ पे एक फूड कोर्ट मिल गया, फूड कोर्ट मतलब यहाँ के लिए फूड कोर्ट ही बोला जाएगा, चाय पीने का अड्डा। फूक मार रहा हूँ ना, धुआं निकल एकदम। अब पीते हैं चाय और वो भाई साहब वहाँ ले रहा है शेकुटी, मैं शेकुटी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को मालूम है वो शेकुटी कुछ देर के लिए मेरे को अच्छा फील करेगा, बाद में ठंडी तो और लगेगी, तो मैं नहीं ले रहा हूँ। भाई साहब ले रहे तो लेने दो। और
चाय से गर्मी गर्मी लेंगे, लेकिन बॉडी के अंदर बाहर ठंडी लगने तो चलेगा, अंदर ठंडी नहीं चाहिए बॉडी के। से धनघटा लगभग 100 किलोमीटर और, जहाँ पे हम लोग जिसको जाना है सब लोग यहाँ पे ही रुक रहे हैं, क्योंकि ये हाईवे का मतलब कुछ है ही नहीं आसपास में। फूड कोर्ट वगैरह बहुत रेयरली है, एक स्टार्टिंग में देखा था और एक अब जाके मिला है, बाकी का बीच में तो अता पता ही नहीं। सर फॉग देखो कैसा जमा हो गया है खेती में वगैरह, ये बाजू में तो खतरनाक है देखो, क्या दिख रहा है यार, पूरा जम गया। मेरे दोस्त ने बोला था कि गोरखपुर में अभी ठंडी उतना नहीं है, बट अभी मैं चेक कर रहा हूँ तो 13 डिग्री है। क्या ब्यूटीफुल सनराइज दिख रहा है यार, मजा आ गया। ओ भाई सनराइज देखते देखते ये देखो ये पलटी ट्रक देख लेते, इधर ट्रक नहीं सॉरी ट्रैक्टर, कैसा ना इतना लोड क्यों भरते फिर। फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए जहाँ पे पहुंचना था और बज रहे 8:04। तो हमारे एक भाई था बॉली भाई जिसका शादी था, तो अच्छा खासा अटेंड कर लिया शादी, फिर अभी निकल रहे। हाय बोल, कैमरा चालू है। पैर वैर छूने में मिठाई नहीं मिल रही क्या? नहीं यार गरीब हो गया, थोड़ा पेट्रोल के लिए पैसा दे दे। चलो कैमरा चालू है, बोल बोल। तो सामने देख रहे हो इन लोग कार से आएंगे, ये सब अपने भाई लोग ही है छोटू, तो इसके गांव जा रहे हैं हम लोग अयोध्या। चलो चाचा मिलते हैं। हाँ चल बता। हाँ हाँ आराम से आता हूँ, ठीक है मिलते हैं, मुंबई मिलते हैं। भाभी को बोलना रुका नहीं, बट मुंबई मिलते हैं, ठीक है चल चलो यार। एक्चुअली फ्यूल तो इसमें है नहीं, मतलब एक 19 किलोमीटर लग गए रिजर्व पे, तो हाँ रिजर्व गांव का एरिया एक अलग ही फील आता है काफ़ी दिनों के बाद आते हैं, तो जैसे ही देख रहे हो क्या बोलते दोस्त बक। तो ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया राइड करते करते, ओ भाई साहब आधा चढ़ा दे। सो गाइस ये गोरखपुर वाला व्लॉग मैंने अभी तक एडिट नहीं किया है, क्योंकि शादी का माहौल था, टाइम ही नहीं मिला, दोस्त लोग के साथ सब बिजी थे। तो ये व्लॉग मैं आज अयोध्या जब पहुँचूँगा दोस्त के घर पे तब एडिट करने बैठूँगा, और उसके पहले मेरे को सबसे पहले पौंडीचेरी वाला व्लॉग जो है एडिट हो गया था, बट वो डाल नहीं पाया क्योंकि यहाँ पे नेट का इशू था, घर पे जिधर स्टे कर रहे थे ना वहाँ पे नेट चल ही नहीं रहा था किसका भी। आए एक चाय ब्रेक के लिए रुक गए भाई लोग, इन लोग कार इन लोग ने इधर पार्क कर दिया, ये हमारी बाइक है हमारी इधर है, और कुल्लड़ वाला चाय पी रहे। चलो कुल्लड़ का टेस्ट लिया था, एक नंबर टेस्ट है भाई। पिया क्या पहला एक नंबर पहले पिया ना भाई, ये देखिए देखिए इधर कितना डीप है, कितना डीप में क्यों चले जाता है, बढ़िया है बढ़िया है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और मेरे चैनल को भी लाइक करो सॉरी सब्सक्राइब करो। चैनल का नाम क्या भाई? आजा शुक्ला। चेस। एंजॉय। एंजॉय बस और क्या बोलूं। एक्चुअली मेरे से एक गलती हो गया, मैं बोल रहा था कि इसका घर जो है अयोध्या में, बट एक्चुअली अयोध्या में नहीं है, अयोध्या तो थोड़ा ज़्यादा आगे, हम लोग उसके पहले ही रुकेंगे। तेरा घर किधर है अयोध्या से, कितना दूर है अयोध्या से? कौन सा घर, सिटी वाला बता। अरे भाई तेरा घर बताओ, तो एक बता अभी जिधर जा रहे पच्चीस किलोमीटर ओके, और दूसरा घर? दूसरा वाला 5 किलोमीटर ओके। तो मेरे को लगा पहले कि दूसरे वाले घर में जा रहे हैं जो अयोध्या से नज़दीक है 5 किलोमीटर, बट हम लोग जा रहे हैं अयोध्या से जो दूर है इसका घर 25 किलोमीटर वहाँ पे। और अभी राइडर चेंज हो गया कुछ टाइम के लिए, भाई है भाई को चलाने का था बाइक, तो वो अभी बाइक चला रहा है राहुल का, और राहुल कार में बैठेगा, तो चलो ये भाई एक्सपीरियंस ले लेगा। जैकेट पहन लिया, गियर पहन लिया, हेलमेट डाल लिया, और हम लोग एक दूसरे से सेना में कनेक्टेड है, सेना नहीं इंटरकॉम। चलो
ऑलराइट गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आज है 2 मार्च। कल हम लोग शाम को 6-7 बजे तक आ गए थे। फिर आने के बाद खाना वीना खा के सो गए। और ये देखो भैया सुबह सुबह साफ सफाई करने लग गया। ये है गांव का परंपरा, कल्चर। और तुम गांव में आए, जैसे कि गांव में आने का एक वाइब सा लग रहता है। तुम लोग को अगर आवाज़ आता रहेगा पीछे तो रामायण चल रहा है गांव में। हर गांव में चलते रहता है रामायण कथा होता है, कुछ ना कुछ चलते रहता है मंदिर वगैरह में। तो इधर भी कल रात से चल रहा है, कंटिन्यू रहता है। नयुम्बई टू गोरखपुर जब आए हम लोग, ओवरऑल 1700 किलोमीटर था, जिसका पेट्रोल कॉस्ट चार्ज मेरा हिमालयन पे लगा 6800। सेम क्लासिक में भी 6800 ही लगा, मतलब 2-5 रुपये का फ़र्क ज़्यादा आया, बाकी दोनों का कॉस्टिंग सेम ही आया। करते अगर छोटा सा ब्लॉग पसंद आया, डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एज ऑलवेज लिव यंग लिव फ्री एंड लिव टुगेदर। इफ आई विल बी अलाइव विद योर नेक्स्ट ब्लॉग। अच्छे से कर रहे थोड़ा तो। चलो ये लास्ट क्लिप है, इसको एडिट करके अपलोड तो करने को मेरे को मिलना ही नहीं है। इधर से मैं नाके पे जा रहा हूँ ना, उधर नेट है, इधर नेट ही नहीं है। क्यों रे ऐसा, ये लोकेशन में नेट क्यों नहीं है भाई? गांव में आए, गांव का मजा लेना है। तेरे को नेट से क्या करने का भाई? पब्लिक वीडियो डालने का भाई। It's like a couple months on the round, like the hate and the gaff. Please stop talking that trash, cause the vibes and the fun all the way to the back.